Hello, sweet learners. You are most welcome in the channel KV Exam Idea. We are continue on class 8 subject history, chapter 2 from trade to territory. In this video, we will discuss about the Battle of Plassey. I hope this video will be useful for you. Please like and share the video. The Battle of Plassey. First, let's understand where is Plassey situated. You can see in this map Plassey shown here. The battle took place at Plassey on the bank of the Hooghly River, about 150 kilometers north of Calcutta, now known as Kolkata, and south of Murshidabad, then capital of Bengal, now in Nadia district of West Bengal. So the distance of the Plassey from the Calcutta is 150 km and which side? North side. And which river bank Plassey situated? Hooghly River. Hooghly River जो है गंगा नदी का ही नाम यहाँ पे हुगली रिवर के नाम से जाना जाता है. और उस समय बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद, तो मुर्शिदाबाद से ये दक्षिण में पड़ता था. मुर्शिदाबाद अगर जो है यहाँ से जो है ये मुर्शिदाबाद रहा होगा, तो ये कोलकाता और मुर्शिदाबाद के बीच में स्थित था. ये पूरा बंगाल है और इधर से जो हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है जो उस समय बंगाल का ही हिस्सा था. डू यू नो हाउ प्लासी गॉट इट्स नेम? देखिए हम देखते हैं प्लासी का नाम कैसे प्लासी पड़ा. प्लासी इज एन इंग्लिश साइड प्रोनाउंसिएशन ऑफ प्लासी एंड द प्लेस डेरिवेटिव इट्स नेम फ्रॉम द प्लास ट्री नोन फॉर इट्स ब्यूटिफुल रेड फ्लावर्स दैट यर्ड गुलाल द पाउडर यूज इन द फेस्टिवल ऑफ होली. तो प्लासी का नाम किसके नाम पे पड़ा? प्लास ट्री. यहाँ पे प्लास ट्रीज बहुत अधिक मात्रा में थे, ये आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं प्लास ट्री. और देखिए इसका बहुत प्यारे सुंदर सुंदर जो है रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं. इन फ्लावर्स को जो है आज भी हम गुलाल बनाने में यूज करते हैं. तो इन पेड़ों की वहां पे बहुत अधिकता थी जिसके कारण इस एरिए का नाम जो है प्लासी पड़ा. और ये जो है कोलकाता से लगभग जो है 150 किलोमीटर नॉर्थ में पड़ता है. Who fought the Battle of Plassey? These three members were important in the Battle of Plassey. First, Siraj-ud-Daulah. Siraj-ud-Daulah that time Nawab of Bengal. ये बंगाल के शासक थे जब Plassey की battle हुई. And Robert Clive. Robert Clive was the EIC. EIC means East India Company's कमांडर, आर्मी कमांडर थे. एंड मीर जाफर. मीर जाफर वाज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब्स आर्मी. ये नवाब की तरफ से ही लड़ रहे थे, उनके मुख्य सेनापति थे. तो ये तीन लोग थे जिनका प्लासी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान रहा है. व्हाट इज द बैटल ऑफ प्लासी? It is battle fought between the East India Company force headed by Robert Clive and Siraj-ud-Daulah, Nawab of Bengal. British victory at Plassey in Bengal on 23rd June 1757 was a crucial event in the history of India. तो जो प्लासी की लड़ाई हुई वो किस किसके मध्य में हुई? ये हुई कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के उस समय जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके बीच में ये लड़ाई हुई. कई बार आंसर में आ जाता है कि प्लासी की लड़ाई किसके मध्य में लड़ गई, तो अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ी गई. ये आंसर भी सही होता है, लेकिन अंग्रेजों की तरफ से उनकी आर्मी का नेतृत्व कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव थे. और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में नहीं थी, ये उस समय मद्रास में थे. मद्रास में भी अंग्रेजों की एक व्यापारिक छावनी थी. वहां से मद्रास से ये सिराज-उद-दौला को पराजित करने के लिए
बंगाल आए और इन्होंने सफलतापूर्वक सियाजी दौला को पराजित कर दिया। इस पराजय का भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ये अंग्रेजों की पहली विजय थी जिसमें इसने भारत में अपने को स्थायित्व प्रदान किया। अंग्रेजों के पैर स्थायी रूप से भारत में जम गए। इस प्रकार विश्व इतिहास में और विशेषकर भारतीय इतिहास में इस लड़ाई का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी तारीख भी आपको याद रखनी है, कब इसका परिणाम आया, 23 जून 1757 में। काजेस ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। वी कैन डिवाइड द काजेस इन टू पार्ट्स, मेजर काजेस एंड अदर काजेस। Majorly the reasons for the battle of Plassey to take place were the rampant misuse of the trade privileges given to the British by the Nawab of Bengal. Bengal ke Nawab ne company adhikariyon ko duty free trade karne ke adhikar diye hue the, lekin ye hamesha iska misuse kar rahe the, jiska bar bar jo hai नवाब ने मना करने के पश्चात भी ये नहीं माने। तो ये एक मेजर कारण था प्लासी के युद्ध का। और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी बाय द वर्कर्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड द सेकंड मेजर रीजन इज कंपनी जो थी उसको ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का अधिकार था लेकिन कंपनी के कर्मचारियों को नहीं था। तो जो ये कंपनी के वर्कर्स थे ये इसका मिसयूज करते थे, कंपनी के नाम से अपने स्वयं का ट्रेड करते थे और उस पर कोई टैक्स नहीं देते थे। तो ये दो मेजर कारण थे जो बैटल ऑफ प्लासी के लिए उत्तरदायी थे। सम अदर काजेस ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी वर अदर रीजंस दैट सपोर्टेड द कमिंग ऑफ द बैटल वर फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता बाय ब्रिटिश विदाउट द नवाब्स परमिशन। ब्रिटिश अधिकारियों ने जो कलकत्ता जो किला था उसका, उनकी कलकत्ता की जो फैक्ट्री थी उसके चारों तरफ जो है फोर्ट बनाना शुरू कर दिया और इस बारे में उन्होंने नवाब को कुछ भी नहीं बताया। इससे नवाब नाराज हो गए और उन्होंने जो कलकत्ता का फोर्टिफिकेशन करने के लिए मना भी किया लेकिन अंग्रेज अधिकारी नहीं माने। मिसलीडिंग नवाब ऑन वेरियस फ्रंट बाय ब्रिटिश। और कई जगह जो है इनको नवाब को सही सूचना ये नहीं देते थे, उन्हें मिसलीड करते थे। तो ये भी इसका एक प्रमुख कारण रहा है। एन एसेनम वाज प्रोवाइडेड टू नवाब्स एनिमी कृष्णादास। अंग्रेजों ने कृष्णादास जो नवाब के एनिमी थे इनको शरण दी थी जिससे भी नवाब उनसे नाराज थे। इस प्रकार ये कुछ मुख्य कारण थे जो बैटल ऑफ प्लासी के लिए उत्तरदायी थे। जैसा कि हम जानते हैं प्लासी जो बैटल हुई उसमें नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई। सो फर्स्ट लेट्स वी अंडरस्टैंड रीजन फॉर द डिफीट इन द बैटल ऑफ प्लासी। क्या कारण रहा जिससे सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हारा। मेन रीजन फॉर डिफीट ऑफ द नवाब वाज दैट द फोर्सेस लेड बाय मीर जाफर वन ऑफ सिराजुद्दौला's कमांडर बिट्रेड सिराजुद्दौला एंड नेवर फोर्ड द बैटल। जो सिराजुद्दौला के मुख्य सेनापति थे मीर जाफर थे, ये मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गए और इन्होंने जब लड़ाई हुई तो अपनी सेना को लड़ने के लिए आदेश ही नहीं दिया, ये मूक दर्शक बने रह गए। इस प्रकार ये युद्ध बिना लड़ाई के ही अंग्रेजों ने जीत लिया था। इसमें यदि मीर जाफर पूरी ईमानदारी के साथ नवाब के साथ रहते और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करते तो निश्चित रूप से नवाब की विजय होती, लेकिन मीर जाफर ने बिल्कुल भी लड़ाई नहीं लड़ी। और आप समझ सकते हैं जब मुख्य सेनापति लड़ाई नहीं लड़ रहा है तो उसका सेना के मनोबल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये मेन रीजन था सिराजुद्दौला की पराजय का। नाउ वी डिस्कस व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी ऑन
our country. So first we discuss about the political effects. Mir Jafar was crowned as the Nawab of Bengal. Plassey की बैटल के बाद Mir Jafar जो सिराजुद्दौला के मुख्य सेनापति थे इन्हें नवाब बना दिया गया बंगाल का. Mir Jafar was unhappy with the position, परंतु Mir Jafar नवाब बनाए जाने से उतने खुश नहीं क्योंकि जिस प्रकार नवाब को बनने पर उसे उपहार दिए जाते हैं उसका रेस्पेक्ट किया जाता है वो रेस्पेक्ट Mir Jafar को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं मिला जिसके कारण वो दुखी रहने लगे. द ब्रिटिश इंस्टॉलेड मीर कासिम एज द नवाब ऑफ बंगाल. अब ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने जब लगा कि Mir Jafar उनके हित में काम नहीं कर रहा है तो उन्होंने इसे हटा दिया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया. द ब्रिटिश बिकम द पैरामाउंट यूरोपियन पावर इन बंगाल. और प्लासी की विजय का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल इफेक्ट रहा वो यही था, इससे सारे यूरोपीय कंट्रीज थे उसमें सबसे शक्तिशाली होकर ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी उभरी. जो फ्रांसीसी थे डच थे वो अब इसके सामने नहीं टिकने वाले थे. रॉबर्ट क्लाइव वाज टाइटल्ड लॉर्ड क्लाइव बैरन ऑफ प्लासी एंड आल्सो ऑब्टेन अ सीट इन द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स. तो इससे रॉबर्ट क्लाइव का इसे बैटल में महत्वपूर्ण स्थान रहा. इस कारण से रॉबर्ट क्लाइव को एक तो लॉर्ड की पदवी दी गई और वहां की जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स है उसमें एक सीट इन्हें प्रदान की गई. नाउ वी डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी. द इकोनॉमी ऑफ इंडिया वाज अफेक्टेड सीवरली. Post the victory, the British started imposing severe rules and regulations on the inhabitants of Bengal in the name of tax collection. इस प्रकार आर्थिक रूप से भी जो है ये कंपनी के लिए बहुत फायदे का सौदा रहा. कंपनी ने अब जो है स्वयं टैक्स लगाती थी और ये जनता से वसूल करते थे. Thank you for watching. Like our channel and subscribe it. To click on the red bell icon.